फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लच्छे पराठे बनाने वाले हैं। देखिए कितनी अच्छी परत इसमें बनी है और इसको हम कितनी इजीली बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर आटा को गूंद लिया है और आटा के लच्छे पराठे हम बनाएंगे। नॉर्मली जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा आटा है। और आप चाहे तो मैदा और आटा बराबर बराबर लेके भी आप बना सकते हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ गेहूं के आटे से बना रही हूँ। पर ये मैदा है, मैदा से मैं इसे रोल करूँगी कि ऊपर से ये सफ़ेद हो जाए और अच्छी बने, क्रिस्पी बने। हम थोड़ा सा पोर्शन इसका ले लेंगे। इसकी लोई थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि लच्छे वाले पराठे थोड़ी बड़ी होती है और मोटी होती है। एक जैसा लोई हम सबका बना लेंगे। ये देखिए मैंने उतने आटे में, वो 500 ग्राम आटा था, उतने में 8 लोई बन के तैयार हुई है। किचन सरफेस को मैंने साफ कर लिया है। यहीं पर मैं अपने पराठे को रोल करूँगी और मैदा में कोट करके हम रोल कर लेंगे आटे को। ये देखिए मैदा से रोल करेंगे तो वाइट सी होगी। और आप चाहे तो सिर्फ आटे या मैदे से भी इसे बना सकते हैं या बराबर बराबर दोनों ले सकते हैं। ये देखिए मैंने तेल और घी को अच्छे से फेंट लिया है, दोनों मिक्स किया हुआ है दोनों लेके, और अच्छे से मैंने लगा लिया। उसके ऊपर मैंने मैदा छिड़क दिया है। इस तरह से परत खुलने में आसानी होगी मैदा आप छिड़केंगे तो। और जैसे मेरे वीडियो में दिखाए गए तरीके से जैसे हम मैं फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से आप फोल्ड करिए। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखिए एक एक तरह ऐसे करके मोड़ते जाएंगे और आगे घसकाते जाएंगे। और ये सबको मोड़ लिया, थोड़ा हाथों से खींच लेंगे हल्के हाथों से, और इसको हम लोई का शेप दे देंगे गोल, जैसे रोटी का लोई हम बनाते हैं। देखिए ऐसे हम दबाते हुए हल्के हल्के हाथों से लोई का शेप दे देंगे। ये देखिए कितने आराम से ये हो जा रहा है। और इसे मैंने लोई का शेप दे दिया है। इसी तरीके से हम सारे लच्छे पराठे के लोई के बना के तैयार कर लेंगे हल्के हाथों से दबा के, और हम इसे रख देंगे। और एक मैं आपको बेल के दिखा दे रही हूँ रोल करके। ये देखिए बड़ा सा मैंने इसको रोल कर लिया है। और इसके ऊपर से वो घी और तेल को जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, आप चाहे तो सिर्फ घी भी लगा सकते हैं या सिर्फ ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है, या बटर भी लगा सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में हम इसे लगाएंगे और थोड़ा सा इस पर मैदा छिड़क देंगे, इससे परत खोलने में हमें आसानी होगी। और थोड़ा हाथों से मिक्स कर लेंगे और फिर पहले वाले तरीके की तरह इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसे तो लच्छे पराठे बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो सबसे इजी तरीका होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो सबसे इजी तरीका है वो यही है लच्छे पराठे बनाने के, और ये अच्छी बनती भी है और पूरी खुल भी जाती है। ये देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से इसको फोल्ड करिए और बस थोड़ा सा हाथों से इसे बड़ा कर लेंगे और इसे हम लोई का शेप दे देंगे। इसी तरीके से सारे लोई को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और इसे हम रख देंगे हल्के हाथों से ही इसे दबाए। और ये मैंने सारे लोई को बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए सारे परत कितने अच्छे से दिखाई दे रही है। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, 10 मिनट बाद हम इसे बेलेंगे। और 10 मिनट या 15 मिनट आप इसे रख दीजिए, और ज़्यादा अगर टाइम है तो हल्का कपड़ा गीला करके इसे ढक के रखिए, नहीं तो ऊपर की परत सूख जाएगी। और इसे थोड़ा सा मैदा हम लगा के रोल कर लेंगे, एकदम हल्के हाथों से रोल करिए, ज़्यादा इस पर प्रेशर मत दीजिए, नहीं तो इसकी जितनी भी परत है वो बैठ जाएगी। हल्के हल्के हाथों से हम इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए मैं जैसे रोल कर रही हूँ, थोड़ी सी और इसे हम बेलेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे रोल कर लेंगे। अभी आप इसमें परत देख सकते हैं, अभी परत सारी दिखाई दे रही है। और पकने के बाद सारी जो हमने मैदा और अंदर घी और तेल का मिश्रण लगाया था उसकी वजह से ये पूरे खुल जाएंगी। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं बेलना है। और अब इसे हम सेक लेंगे तवे पर। ये देखिए मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है, ये हल्का गरम हो चुका है।
और इसे हम अलट्टे पलट्टे हुए दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, हाई ना रखें। ये देखिए, और घी या ऑयल या बटर जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी आपको पसंद हो, उसको हम हल्का हल्का लगाते हुए सेक लेंगे। वही वाला जो मैंने अंदर लगाया था घी और तेल को, जो मैंने पूरे फेंट लिया था, वही वाला मैं ऊपर भी लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके दोनों तरफ से लगा के और हम अच्छे से सेक लेंगे। जैसे हम रोटी या पराठे सेकते हैं उसी तरीके से हमें दबा दबा के इसे सेक लेना है, थोड़े क्रिस्प होने तक, अच्छे से क्रिस्प। देखिए जैसे मैं दबा के सेक रही हूँ, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तो ये अच्छे लगेंगे। और अभी आप इसके परतों को आसानी से देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से परत अलग हो गई है। और इसी तरीके से मैंने सारे लच्छे पराठे को तैयार कर लिया है, और कितने सुंदर सारे पराठे लग रहे हैं, और कितनी आसानी से हमने इसे बनाया है। और ये भी आटे से बनाया है, मैदे का यूज़ नहीं किया है। आप देखिए परत, आप कितनी आसानी से सारे परत देख सकते हैं। और आप भी इस लच्छे पराठे को ऐसे ही बनाइए और इन्जॉय करिए। और अगर मेरी लच्छे पराठे की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।